हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट हिस्ट्री फ्रेंड चैनल पे। और इस वीडियो के अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीडियो जी के पार्ट फोर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से जल्दी। पहला क्वेश्चन है, सांसद नदी की वर्तमान राशि कितनी है? तो फ्रेंड्स, इसकी जो वर्तमान राशि है वो है आपकी 5 करोड़ रुपये। जो सांसद नदी में पैसा आता है फ्रेंड्स, वो कितना आता है? 5 करोड़ रुपये आता है फ्रेंड्स। सांसद नदी की जो वर्तमान राशि कितनी है? 5 करोड़ रुपये। 52 क्वेश्चन है, डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? तो वो थी फ्रेंड्स जो आपकी थी वेंजीर भुट्टो। कौन थी? वेंजीर भुट्टो। 53 क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? फ्रेंड्स आपको ज्ञात होना चाहिए, जो पहला मेडिकल कॉलेज खुला था वो खुला था आपका कलकत्ता यानी कोलकाता में। अगला है फ्रेंड्स, आत्महत्या की जो दर है भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? जो सबसे दर है फ्रेंड्स जो आत्महत्या की, वो है हमारी महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं पाई जाती हैं। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। वो ऐसा का स्टेट है फ्रेंड्स जो इंडिया के अंदर जिसमें सबसे आत्महत्या की दर सबसे अधिक है। 55 है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? जो भंडारी समिति है फ्रेंड्स वो आपकी संबंधित है RRB के पुनर्निर्माण से। किससे? RRB के पुनर्निर्माण से। अगला क्वेश्चन है, अधिवर्ष लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका जूलियस सीजर को। किसे माना जाता है? जूलियस सीजर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो फ्रेंड जो ग्लेशियर एक्सप्रेस है वो स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है, क्योंकि फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। बर्फ़ पड़ती है तो जो ग्लेशियर में चलती है ना, इस वजह से इसको ग्लेशियर एक्सप्रेस कहते हैं और ये स्विट्जरलैंड में चलती है। अगला क्वेश्चन है, 58 बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? तो वो अवस्थित है फ्रेंड्स आपका, 58 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो आपका बिनसर का जंगल है वो आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। 59 क्वेश्चन है, 25वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो ज्ञात होना चाहिए आपको, जो 25वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था वो किया गया था आपका डॉक्टर सुनीता जैन को। डॉक्टर सुनीता जैन को आपका किया था फ्रेंड्स, डॉक्टर सुनीता जैन को 25वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। 16 क्वेश्चन अब पे चलते हैं फ्रेंड्स। जो 16 क्वेश्चन है वो है, निम्न में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमानक कौन सा है? तो जो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमानक है वो है आपका ए स्तंभ। क्या है? ए स्तंभ। अगला है, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो जो नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता हैं वो है पी के राय। कौन है? जो नेपाल का राष्ट्रपाल वो बनाया है, जिन्होंने राष्ट्रगान रचयिता हैं वो कौन है? पी के राय। 62 क्वेश्चन है, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है फ्रेंड्स आपका, आपसे चेक कर सकते हैं। इसका सही आंसर जो है ए, डॉक्टर VR अम्बेडकर। डॉक्टर VR अम्बेडकर का कथन था फ्रेंड्स, जो समानता और भ्रातृत्व है वो क्या है? सैद्धांतिक रूप से उदारता एक जीवन की विधा है और ये राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मानसिक विक्षिप्ति भारतीय दंड संहिता के किस धारा में सन्निहित है? तो जो फ्रेंड्स सन्निहित है ये, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, धारा 84 में यह सन्निहित है कि जो मानसिक विक्षिप्ति है वो धारा 84 में लागू की गई है। 64 क्वेश्चन है, अधिक आर्थिक आसूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन है? तो जो EIC का अध्यक्ष है वो है आपका बी, वित्त मंत्री। कौन है? वित्त मंत्री आपका EIC का अध्यक्ष होता है। आर्थिक आसूचना परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है फ्रेंड्स। भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श क्षेत्र है? तो जो क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है वो है आपका, आपने चेक कर सकते हैं, इसका सही आंसर होगा बी, दक्षिण का पठार। कौन सा? बी, दक्षिण का पठार। 66 क्वेश्चन है, घूमर लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बार बार पूछा जाता है इसको, रट्टा मार लो। जो घूमर है वो राजस्थान का है फ्रेंड्स, जो आपका जो बिहार का है
आपको मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का सारे मैंने ट्रिक बनाई है, उसके माध्यम से आप इन सबको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, ये किसका कथन है? 67 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्लेटो का कथन है फ्रेंड्स, आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है। 68 क्वेश्चन है, ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? जो ताजमहल है उसको प्रभाव का खतरा है SO2, सल्फर डाई ऑक्साइड का खतरा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? जो अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था वो था फ्रेंड्स, आपका अपना चेक कर सकते हैं, कामरूप, और जो गुर्जर था वो आपका था, और कश्मीर, कर्नाटक और गुर्जर आपका अशोक के समकालीन थे, और जो आपका कामरूप है वो अशोक के समकालीन नहीं था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? वो की थी फ्रेंड्स, आपको रट्टा मार लो इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। कौन से? बदरुद्दीन तैयब जी। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? तो जो फ्रेंड्स गोल गुम्बद है वो आपको याद होना चाहिए, कहाँ पे? बीजापुर, कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, और जो जगह है वो कहाँ? बीजापुर। गोल गुम्बद कहाँ पे? बीजापुर, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया था? तो इसको रट्टा मार लो, याद भी होना चाहिए आपको, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। क्यों फ्रेंड्स, जो लिखा गया था वो लिखा गया था आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? जो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य दिए गए हैं वो 11 हैं फ्रेंड्स, अभी 11 हैं, लेकिन जब संविधान बना था तब मूल कर्तव्यों की संख्या फ्रेंड्स 9 थी। कितनी थी? 9। अगला क्वेश्चन है, सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? जो सिपकीला दर्रा है वो सतलुज घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी में? सतलुज घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 75 त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो जो त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 1972 में। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो वो बने थे फ्रेंड्स, आपको याद होना चाहिए, 1924 में। आपको साफ नहीं दिख रहा हो, मैं लिख देता हूँ, 1924 में फ्रेंड्स महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। क्रीमी लेयर संबंधित है? जो क्रीमी लेयर संबंधित है फ्रेंड्स, आपको रट्टा मार लो इसे, याद कर लो, ये सही है आपका, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। किससे? सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो जो फ्रेंड्स वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके शिव ब्राह्मण। क्या कहलाते हैं? शिव ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल की निम्न में से किस प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? तो वो हुआ था फ्रेंड्स, आप रट्टा मार लो इसे, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, DCM कप। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है? आपको याद होना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप रट्टा मार लो, मैक। जो पराध्वनिक गति का मापांकन होता है वो मैक इकाई से होता है। रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है? जो रक्त लाल दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से देते हैं फ्रेंड्स? आपको याद होना चाहिए, ये हीमोग्लोबिन, और इसकी वजह से ही हमारे खून का रंग भी लाल होता है। जो ब्लड का कलर जो लाल रेड होता है वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जेल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? आपको ये याद होना चाहिए फ्रेंड्स, जो जेल जो साबुन लगाने पर झाग नहीं बना पाता उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रट्टा मार लो इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है ये भी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, खारा जल होता है वो अच्छा झाग नहीं बना पाता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा सी, पनामा की दीमक। तो पनामा में फ्रेंड्स ऐसी दीमक पाई जाती है जो कि सबसे अत्यधिक तीव्रता से मनुष्य को काटती है। अगला क्वेश्चन है,
गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका बी पत्रकारिता से संबंधित है। किससे संबंधित है? पत्रकारिता। 86 क्वेश्चन है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता फ्रेंड्स आपका कोतवाल। क्या कहा जाता था? कोतवाल। 87 क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? याद होना चाहिए फ्रेंड, नहीं याद तो रट्टा मार लो। सरदार पटेल, इनकी मूर्ति हाल ही में गुजरात में बनाई जा रही है फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स जो थे गृह मंत्री थे, पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी प्रतिमा बनाई गई है 142 मीटर का जो स्टैचू बनाया गया गुजरात में, वो उन्हीं से संबंधित तथ्य है फ्रेंड्स। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो फ्रेंड्स रामायण में जो मांडवी थी वो किसकी पत्नी थी? आपको रट्टा मार लो फ्रेंड्स, नहीं पता मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की पत्नी थी। प्राचीनतम वेद कौन सा है? जो प्राचीनतम वेद है फ्रेंड्स वो याद होना चाहिए आपको, कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा कौन सा वेद है? प्राचीनतम वेद है। अगला क्वेश्चन है, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? जो तरला दलाल है वो आपका प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, रट्टा मार लो नहीं पता तो, पाक कला विशेषज्ञ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बदायूं एवं जौनपुर में। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना बदायूं एवं जौनपुर में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है, तो आईटी सिटी बनाने की घोषणा की जा रही है, वो की जा रही है लखनऊ में। किसे? लखनऊ में। स्टॉकहोम रिसर्च पीस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है? हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? भारत। उत्तर प्रदेश में शस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, तो ये संख्या फ्रेंड्स 9। उत्तर प्रदेश में शस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ए डॉक्टर बी पी पाल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिदेशक थे। बी चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। सी सोयाबीन के बीज में 20% तेल और 40% प्रोटीन होता है। डी अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में। एग मार्क का संबंध होता है फ्रेंड्स पैकेजिंग से संबंधित होता है, जो गुणवत्ता को बतलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है कहाँ पे? अवस्थित है फ्रेंड्स, याद होना चाहिए आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। जो नेशनल सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। भारत में हीरे की खाना पाई जाती हैं, वो पाई जाते हैं फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। कहाँ पे पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा हीरे की खाने पाई जाती हैं। विश्व में सबसे लंबी नदी मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, कौन सी नदी है? नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी। रेगिस्तान जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर पड़ता है कौन सा कहलाता है फ्रेंड्स? याद होना चाहिए आपको, एकमात्र रेगिस्तान है जो थार का रेगिस्तान है, जो भारत में थार का रेगिस्तान ही पाया जाता है, जो फ्रेंड्स भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर पड़ता है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और माई चैनल स्मार्ट हिस्ट्री फ्रेंड्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई ट्रिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, वीडियो ट्रिक जीके पार्ट 5 में। और फ्रेंड्स इस चैनल पे आपको यूपी पुलिस की भी तैयारी कराई जाएगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फ्रेंड्स।